अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम अंकल। सबसे पहले तो एरिया का नाम और अपना नाम बताएगा। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 3 मदीना मेडिकल स्टोर के करीब। हम तो बताएगा क्या यहाँ पे काम हो रहा है, कौन करवा रहा है सफाई मुहिम? माशाल्लाह से फिक्सिट की टीम आई हुई है और बड़ी हम कोशिश करते रहे, बहुत से लोगों से कहा सुना, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ था। कम से कम 6 महीने से तो ये वैसे भी अनटच पड़ा हुआ है। यहाँ सीवरेज लाइन भी है और घास फूस इतनी हो गई है, मच्छर गंदगी, बारिश हो जाती है तो और गलाजत फैलती है, तो लेकिन इसको कोई सुनवाई नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि क्या मतलब इस मसाइल है यहाँ के। तो अलहमदिल्ला आप लोगों से रब्ता हुआ और आप लोगों ने आलमगीर अभी जिस तरह काम करवा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? MLA का तो काम है नहीं, बल्दियात का काम होता है भाई। हमारी हर किस्म की यानी मतलब हमारे अख्तियार में अगर इस वक्त ये होगा भाई आपको वोट चाहिए तो हमने दिया भी है, और हमने आलमगीर खान को ही वोट दिया है यहाँ पर। बेशक ये एरिया बल्दिया का है और ये बल्दिया की जिम्मेदारी है, लेकिन रियली अप्रिशिएट के ये आलमगीर खान और उनकी टीम फिक्सिट वाले जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और ये एक तरीके हम और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इसी तरह के काम होते रहे इंशाल्लाह। और यहाँ बहुत से लोगों को जब पता चल रहा है तो वो बड़े इम्प्रेस हुए हैं कि ये काम माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई आगे देख नहीं रहा है। थैंक यू अंकल। तो ये फिक्सिट का ट्रैक्टर टाइम में चल रहा है। मैंने आलमगीर खान की हिदायत पे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में सफाई मुहिम जारी है, और इंशाल्लाह आज तक तो कभी हमने किसी MLA को इस तरह काम करवाते हुए नहीं देखा, क्योंकि सब प्यार अक्सर रोना रोते हैं, लेकिन आलमगीर भाई काम करना जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, तो बस काम करवा रहे हैं, और अल्लाह उनको इसी तरह हिम्मत दे काम करवाने की तौफीक दे। आमीन।